दोस्तों रेडमी फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट जब करते हो तो आपसे हो नहीं पाता, 100% नहीं हो पाता, बीच में ही रुक जाता है या फिर कई सारे प्रॉब्लम है। यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारा देख लीजिएगा, सब 10 मिनट 8 मिनट 9 मिनट का वीडियो है और इतना सारा चीज़ बता देता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों सबसे ईजी तरीका मैं लेकर आया हूँ, यूट्यूब के सबसे फास्ट वीडियो है जो बहुत ही कम समय में सिर्फ एक ही तरीका यूज करेगा और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करके देगा, कुछ नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का अगर आप आ रहा है आपका यहाँ डाउनलोड का, मैंने चेक कर लिया यहाँ इस मोबाइल में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद जो भी है मतलब कि सिस्टम जो अपडेटर होता है उसको सर्च करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऐप मैनेजर होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे सारे ऐप खुल जाएंगे। यहाँ पे सर्च करना है आपको सिस्टम मैनेजर या फिर आपको ऐप अपडेटर, ठीक है ना। तो यहाँ जब सर्च करोगे तो दोनों का क्लियर कैच कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देखो सिस्टम लॉन्चर भी आएगा, आपका सिस्टम लॉन्चर आएगा, इसको मैं क्लियर कैच दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको इसको क्लियर कैच करके दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका सिस्टम UI, ठीक है, इसको भी आपको क्लियर कैच करके लगा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ क्लियर कैच कर लेने के बाद यहाँ पे आगे का ऑप्शन आपको क्या करना है ये आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे ईजी तरीका ये वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो में बनाने के लिए बहुत सारे मैंने मतलब फंडे अपनाया लेकिन कोई भी मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये वाला फाइनली सबसे आसान तरीका रह गया, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जब यहाँ पे आप अपना अपडेटर यूज करोगे, सर्च करोगे अपडेटर, तो अगर आपका अपडेटर नहीं मिल रहा है तो सिस्टम लॉन्चर को ही कर देना है क्लियर कैच। अगर आपका अपडेटर मिल गया है, अपडेटर मिल गया तो उसको क्लियर कैच कर देना है, ठीक है, ये आपको फाइनल कर देना है। अब इतना अपडेट करने के बाद आपको नेट ऑन या ऑफ कर लेना है, ठीक है ना। ऑन ऑफ करने के बाद फिर दोबारा से आपको यहाँ पर मतलब दोबारा से या फिर आप रिबूट भी कर सकते हैं, अगर आपको इसको सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जाना है फिर से वहीं पर एबाउट फोन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आपका सिस्टम अपडेट करके ऑप्शन है। अब डाउनलोड, अब यहाँ देखो डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। बीच में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 87-88% हो चुका है, ये थोड़ा टाइम लेगा, 10-15 मिनट लेगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट वीडियो भगा के आपको दिखा रहा हूँ तो टाइम लेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों एक मिस्टेक और हमसे हो गया, यहाँ के बैटरी चार्ज नहीं था, ठीक है ना। आपको बैटरी चार्ज कर लेना है दोस्तों, पूरा फुल चार्ज कर लेना है या फिर 50% से ऊपर होना चाहिए, 60-70%। मेरा गलती यही था कि मैं बैटरी को चार्ज नहीं कर पाया दोस्तों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैटरी का चार्ज लगाने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 99 तो हो गया, आप देखो यहाँ पर 100% हो गया है। अब यहाँ पर मतलब कि अब 100% होने के बाद अब थोड़ा सा ये वाला करेगा, बफरिंग कर लेगा, इसके बाद ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मेरा सारा काम होने वाला है लगभग अब, लेकिन दिक्कत ये लग रहा है मेरे को चार्ज लगाना पड़ जाएगा फ़ोन को, तो तुरंत यहाँ से चार्ज लगा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तब यहाँ पर इसको 100 होने देते हैं पहले, ठीक है ना, 17 हो गया, 20 हो गया, यहाँ 100 भगाता हूँ, ठीक है ना। तो 100 हो गया यहाँ पर 98, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करें, रिबूट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब रिबूट जैसे ही होगा तो आपका सारा काम दोस्तों, अब यहाँ पर यही पंगा आ गया ना, लो बैटरी कह रहा है, यानी कि आपको चार्ज करना पड़ेगा तभी रिबूट लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मैं चार्ज लगा लेता हूँ पहले, ठीक है ना, रिबूट ले ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, आपको ध्यान लेना है, मतलब चार्ज कर लेना है फोन को, ठीक है। मैं डायरेक्ट अभी लगा देता हूँ फोन को चार्ज में, अब फोन को चार्ज लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। अब इसके बाद मैं रिबूट करता हूँ, देखता हूँ होता है या नहीं होता, ठीक है ना। इसको पहले चार्ज लगा लेता हूँ दोस्तों, मैं हाथी अभी तुरंत चार्ज लगाया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो चार्ज लगा दिया हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो, इसको करते हैं आगे, बढ़ाते हैं कैसे काम होता है, रिबूट होता है या नहीं होता है। अगर रिबूट हो गया, समझ लो कि आपका काम हो गया है, मेरा काम हो गया है। अब देखो यहाँ पे दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रॉपर अभी थोड़ा सा 1% नहीं होगा, 1-2% हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं दोबारा से करते हैं। अब देखो दोस्तों दोबारा यहाँ पे हो चुका है, रिबूट होने वाला है, ठीक है ना, यानी हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मतलब कि रिबूट हो जाएगा तो लगता है मेरे को सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप तुरंत से तुरंत मैं जानते हो क्या करना है आपको। अभी देखो दोस्तों यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर अभी क्या क्या करना पड़ेगा आगे भी बताऊँगा अभी, ठीक है ना। आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी आप देखो यहाँ पर इसको रिबूट करने के बाद ये वाला आपको चलेगा, 0 से लेके यहाँ पर अपडेट में, यानी कि इसको यही वाला 100 होने में भी टाइम लगेगा, 8-10 मिनट, ठीक है ना। इसको 8-10 मिनट मतलब कि 100 अपडेट होने में 8-10 मिनट लगेगा, इसको एक एक करके करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ से मतलब कि छोड़ना नहीं है बीच में, और चार्ज को रखना है पूरा, ठीक है ना, इसलिए आपको चार्ज पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको 100 होने देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं क्या दिक्कत आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हालाँकि अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहीं पर दिक्कत आती है सबको, वो डाउनलोड, देखो आपका सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड होने में तो कभी कभी दिक्कत आता ही है, लेकिन डाउनलोड तो आसानी तरीके से मैंने बता दिया किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से अपडेट होने के लिए भी आपको आसान तरीका बिल्कुल छोड़ देना है, 10 मिनट तक लगेगा, ठीक है। मैं आपको भगा दिया हूँ वीडियो को, और भगाने के बाद यहाँ पर रेडमी का यहाँ पर लोगो दिख गया, यहाँ पर आप सब कुछ देखिए MIUI के यहाँ पे लोगो दिख गया। अब यहाँ आसानी से मेरा फ़ोन ऑन होने वाला है। अब यहाँ पर दोबारा अगर जाएंगे देखेंगे, अगर ऑन होने के बाद हमारे यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आता है या नहीं आता है, ठीक है ना दोस्तों। अभी सेटिंग में जाते हैं, अपडेट का ऑप्शन आएगा फिर नहीं आएगा,
क्योंकि अब हमारा सारा कुछ अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर बार बार आपका अपडेट का ऑप्शन आता है तो इस तरीके से आप कर ले। अगर दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बताएं क्या दिक्कत आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है, मतलब कि अपडेट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे हट जाएगा, देखो यहाँ पे हट गया है, ठीक है ना। अबाउट फोन जाते हैं, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन हट गया है, बिल्कुल नया वर्जन आ गया है, ठीक है ना। आसानी से इस तरीके से आप कर सकते हो अपना फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो लगाओ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।